नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। वर्ल्ड कप शुरू होने में अब लगभग एक महीने का समय रह गया है और सभी टीमें अपनी आखिरी तैयारियों में लगी हुई हैं। एशिया की सभी टीमें एशिया कप खेलती हुई नजर आएंगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आपस में वनडे सीरीज और टी20 सीरीज खेलेंगी। लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नहीं चार चार बुरी खबर आ गई है। टीम के कप्तान सहित चार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां उसे 30 अगस्त से पहले टी20 सीरीज खेलनी है और फिर 7 अगस्त से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले टीम के चार अहम खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। टीम के कप्तान पैट कमिंग्स रिस्ट इंजरी के कारण पहले ही बाहर हो चुके थे। उसके बाद उप कप्तान स्टीव स्मिथ, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और अब ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड कप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद जरूरी है कि ये चारों खिलाड़ी जल्द से जल्द फिट। बता दें, कप्तान पैट कमिंग्स रिस्ट इंजरी के कारण बाहर हैं। स्टीव स्मिथ भी ऐसे सीरीज के दौरान अपनी रिस्ट में चोट लगा बैठे थे। वहीं टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी अपने कंधे की चोट से परेशान है, जबकि अब ग्लेन मैक्सवेल भी अपनी एंकल इंजरी के कारण परेशान है और साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। बता दें, मैक्सवेल को पिछले साल पैर के एंकल में चोट आई थी, जिसके कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे। लेकिन अब फिर प्रैक्टिस के दौरान उनकी चोट बढ़ गई है, जिसके कारण वो अब इस सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मैक्सवेल की जगह ऑस्ट्रेलिया टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड की वापसी हुई। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि मैक्सवेल समेत सभी चोटिल खिलाड़ी भारत के खिलाफ 22 सितंबर से होने वाली वनडे सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप मिस करता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच को जिताने का दम रखते हैं। लेकिन अगर ये खिलाड़ी फिट नहीं होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप काफ़ी मुश्किल होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।